अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मैंने इधर से तीन चार पोस्टें देख ली, उनमें से मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद तो ये ओपन हो चुकी है। इसको ओपन करने के बाद मैं इसकी तस्वीर चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए रिप्लेस में जाता हूँ। रिप्लेस में जाके मैं अपनी इमेज है उनमें से कोई एक खूबसूरत सी तस्वीर जो किसी बच्चे की हो, जो कुरान मजीद हाथ में लिए हुए हो, उसको मैं ले लेता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर मुझे अच्छी लग रही है, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा क्रॉप। क्रॉप करने के लिए मैं यहाँ क्रॉप के ऑप्शन पे जाऊँगा और इसको दबा के मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, ताकि उसका जो सर है वो थोड़ा सा नीचे हो जाए। ये आपको कलर नज़र आ रहा है बॉर्डर का, ये वाइट है, तो मैं इसको कर देता हूँ ये गुलाबी, गुलाबी ऑरेंज कलर का कर देता हूँ। आपने ये तस्वीर अच्छे से लगा लेनी है। ये तस्वीर थोड़ी सी कट रही है, तो मैंने मिसाल के तौर पे आपको ये तस्वीर दी है। आपने इससे अच्छी कोई तस्वीर लगा लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एकेडमी का नाम लिख लेना है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ, ये बराबर हो गया। अभी क्या करना है, आपने ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट लिख देने हैं कि आप क्या क्या। ये हमने लिख दिया कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, हमारी सर्विसेज क्या होंगी, और इसमें हम इसे कर लेते हैं यहाँ कॉपी। कॉपी करके इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसे ले जाते हैं यहाँ। वो जो लिखाई हम कॉपी करके लाए थे उसे हम लेके आते हैं ऊपर यहाँ लेयर से। ये लेयर आपको नज़र आ रही है, ये देखें लिखाई नीचे आ गई है, इसको हम पकड़ के ऊपर कर लेते हैं। और दूसरी लिखाई कहाँ, ये है, इसे पकड़ के हम ऊपर कर लेते हैं। तो ये देखें, ये अभी लिखाई ऊपर आ गई है इधर। ये शेप जो है थोड़ी सी बड़ी है, इसे हम छोटा कर देते हैं। ये जो लिखाई है इधर, इसको पकड़ के इसको भी पहले लिख लेते हैं, देखते हैं फिर। कोर्सेज, ठीक है, मुकम्मल हो गया। इसको अभी थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, यहाँ बी के जरिए बोल्ट कर दिया, और ये देखें अभी कुछ खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद ये जो लिखाई थी इधर, इसको इसके ऊपर करके हम कहते हैं भाई कॉन्टैक्ट अस, इसको भी मोटा कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, और नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं, और फ़ोन नंबर के ऊपर हम लिख देते हैं अपना नाम, इसी की हम कॉपी करते हैं। ये कॉपी कर ली, और इधर से हम लिख देते हैं नाम, ठीक हो गया। ये नाम को भी हम कर देते हैं थोड़ा सा मोटा बोल्ट, और थोड़ा सा नंबर को कॉन्टैक्ट के नीचे कर देते हैं, और नंबर भी इसके दरमियान में आ गया है। तो अभी क्या करना है, नीचे आइकन लगा देते हैं कोई, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह। इसका रंग चेंज कर देते हैं वाइट, ठीक हो गया। तीनों को थोड़ा सा इधर करना है, इसके लिए हम इनको करेंगे ग्रुप। ग्रुप करने के लिए यहाँ तीन नुकतों पे दबाते हैं, सिलेक्ट पे दबाते हैं, दूसरे को दबा दिया, ये तीसरे को दबा दिया, पहले इन दो को कर लेते हैं। अभी फिर सिलेक्ट करते हैं, और ये तीसरा नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो इसे हम बाहर से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जाते हैं लेयर में। लेयर में जाने के बाद जो ये देखें, फेसबुक अकेला है, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। तीन लाइन
तीन डॉट को दबाते हैं, सेलेक्ट को दबाते हैं और अभी दबा देते हैं इसको और ये हो जाता है ग्रुप। ग्रुप होने के बाद अभी हम इन तीनों को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक हो गया बस। और अभी ऊपर हमने क्या करना है, इधर हम लिख देते हैं थ्री डेज फ्री ट्रायल क्लास, कि जो 3 दिन होगी हमारी क्लास वो फ्री होगी। में आते हैं, लौटा के गया इसको, और यहाँ टाइम लिख देते हैं हम कि हमारा टाइम क्या है, 24 घंटे 7 दिन। मगर क्या होगा, ट्यूजडे में हमारी छुट्टी होगी। ठीक है, और इधर हम अपने बारे में कुछ तारुफ दे देते हैं। अब ये देखें इसकी लाइनें थोड़ी सी दाई तरफ उर्दू के स्टाइल में, तो यहाँ हम इसमें जाते हैं और इनकी लाइन को दाई तरफ कर देते हैं, ठीक है, ये हम बराबर कर देते हैं, ये सही है। तो ये देख लें, काफ़ी अच्छा हो गया। तो ये आप इसमें मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और मैं चाहता हूँ इसकी जगह कोई और तस्वीर लगा दूँ, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। ये तस्वीर है ये वाली, मैं इसको लगा देता हूँ, देखते हैं ये पूरी आ रही है, ज़बरदस्त है। इसको मैं चाहता हूँ बाईं तरफ हो जाए, तो ये फ्लिप वाले ऑप्शन है, ये फ्लिप, इसको मैं दबाता हूँ, और ये पहले वाला ऊपर वाला इसको दबाता हूँ तो ये इस तरफ हो गई है, ये भी खूबसूरत लग रही है, दूसरी तरफ खूबसूरत नहीं थी। इसका नीचे वाला जो सर्कल है जो माल्टे रंग का, ये बड़ा है, तो ये तस्वीर के साथ ही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं एक सर्कल लेके उसको थोड़ा सा शेडो की शक्ल में बना दें, ये यहाँ सर्कल है, ये मैं सर्कल लेता हूँ और सर्कल भी इसी रंग का, ठीक है, और इसको लेके मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तस्वीर से, ये काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं तस्वीर के नीचे लेके जाता हूँ, लेयर में गया, और ये इसका आसान हल है कि तस्वीर को पकड़ा और बिल्कुल ऊपर ले आया, ये इसको सेलेक्ट किया, और इसको भी हम लेके आते हैं थोड़ा सा नीचे शेडो की सूरत ये दे दे, ये देखें भाई अभी कुछ कमाल हुआ है या नहीं, ठीक है, ज़बरदस्त लग रहा है। और ये जो नीचे सर्कल है इसकी भी हम करते हैं एक फोटो कापी, ये ऊपर आ गए, इसको हम लेके जाते हैं नीचे लेयर में, और लेयर में जाके हम इसको ले जाते हैं नीचे, भाई नीचे आ जाओ और नीचे, ओके ये तो बहुत नीचे चला गया, हाँ अभी नीचे आ गए, अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, चलो, और बड़ा करने के बाद अभी हम इसकी थोड़े से रंग पहले हम चेंज करते हैं, रंग जो है इसका थोड़ा सा इसे हल्का करते हैं, ये देखिए ये वाला रंग सही है। और अभी हम देखते हैं कमाल, जी भाई कुछ समझ आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एनिमेशन लगाएं जैसा मैंने पहली क्लास में कहा था, तो एनिमेशन आपने लगानी शुरू करनी है तस्वीर से, यानी जिसको आप पहले लगाएंगे वो एनिमेशन में सबसे पहले शो होगी, ये एनिमेशन है जी आपको नज़र आ रही है एनिमेशन, इसको दबाएंगे आप, और इसके बाद इसका स्टाइल आप खुद से ही ये देखें किधर किधर को जा रही है, तो आपने अंदाजे से देख लेना है, ये देखें ये वाली कुछ ठीक लग रही है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ, लिखाई का एनिमेशन और होता है, ये नीचे वाले को भी यही देता हूँ एनिमेशन, ठीक होगा। इसके बाद ये जो है 3 डे ट्रायल, इसको मैं देता हूँ थोड़ा सा इस तरह का, और इससे नीचे वाले को भी इसी तरह का,
और ये जो है इसको टाइपिंग की कलर का दे देते हैं हम। ठीक हो गया। ये जो है इसके नीचे जो शेप है पहले उसको देते हैं। अभी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसको देते हैं। ठीक हो गया। अभी नीचे नाम जो है इसको देते हैं। काफी ज्यादा है, आप इनमें से कोई भी देख के जो बेहतर है, लेकिन इतना ना हो कि बिल्कुल गंद समझ जाए। ये देखें, अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। ये ऊपर आपको वीडियो का ऑप्शन है कि जब ये चलेगी वीडियो तो किस तरह शो होगी। कितने 5 सेकंड की है। अभी यहाँ से हम डाउनलोड कर रहे हैं। हाई क्वालिटी पे डाउनलोड होगी।